शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या हुआ? किसका मैसेज? रोहन, हमें जाना होगा अभी। क्या कर रही हो? अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ। हुआ क्या है? तुम मत जानो तो बेहतर होगा, जानोगे तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। शबनी, अभी तो पूरी शाम बाकी है, तुमसे हम आज की शाम तो हम दोनों साथ बिता सकते हैं। रोहन, इसलिए सॉरी कह रहे, हम अभी तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। सॉरी शबनी। शबनी, हम पति पत्नी, तुमसे हम इतना जानने का तो हक रखते हैं। हम पति पत्नी हैं, इसके लिए हमने मना नहीं किया है रोहन, लेकिन एक बात तुम समझ लो, ना हम तुम्हें धोखा दे रहे हैं और ना ही कुछ गलत कर रहे, तो हमें इतना मत जकड़ो कि हमारा दम खुट जाए। सॉरी रोहन, हमें अभी जाना होगा। लेकिन शबनी, जानते हैं शबनी, तुम शिवांश के पास जा रही हो ना, पर एक बात समझ लेना, शिवांश को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, वो खुद होगा। भैया, अच्छा हुआ भाभी आप आ गए। शिवांश, शिवांश कहाँ है? आप ठीक तो हैं? आपकी तो सांस फूल रही है। हम ठीक हैं। आप शिवांश को संभालने बताइए कहाँ है शिवांश। भैया सुबह से दुकान पर शराब पिए जा रहे हैं। शराब उसकी किडनी के लिए जहर है, कुछ भी करके किसी भी तरह से उसे रोक लो। क्या हो गया है आपको शिवांश? एक नाकामी को आपने इस तरह दिल से लगा लिया? नहीं, इतनी मुश्किल से हम आपको मौत के मुंह से वापस लाए, अब दोबारा मरने नहीं देंगे। पापा को लड़ना होगा, लड़ना होगा आपके लिए। चलिए भैया। हाँ चलिए भाभी जी। कौन हो तुम? तुम कहा था ना किसी पब्लिक प्लेस में नहीं मिलना, किसी ने तुम्हें आते हुए देखा तो नहीं? अरे किसी ने नहीं देखा साहब जी, और हमको थोड़े ना यहाँ कोई पहचानता है, और आपसे मिलना भी तो जरूरी था, और शिवांश को हमने वो चिट्ठी पहुँचा दी। अभी हम देख के आ रहे हैं, शराब के ठेके के बाहर खड़ा था, और जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। शाबाश, तुम्हारी चिट्ठियाँ काम कर रही हैं।
तुमको सच बताया था ये सोच के कि तुम्हारा ईमान जाग जाए, लेकिन तुम तो श्रवणी को बर्बाद करके अपनी नई नवेली बीवी के साथ मजे से वैलेंटाइन डे मना रहे हो। हमारी नहीं सर जी, आपकी। हम तो बस पोस्टमैन हैं। अब आगे क्या करना है सर? अब आगे कुछ नहीं, हमें जो करना था हम कर चुके, अब जो करना है वो शिवांश खुद करेगा। हमारी हर एक चिट्ठी शिवांश को शराब के इतने करीब पहुंचा देगी कि वो जाकर भी उससे दूर नहीं रह पाएगा। उसको बचाने वाला कोई और नहीं, हम हैं। जब उसे ये पता चलेगा तो इस बोझ के तले वो बेचारा खुद ही मर जाएगा। पछतावे की आग में शिवांश इतना जलेगा कि शराब पी पी कर वो हमारे और शवनी के रास्ते से अपने आप ही दूर हो जाएगा। तब तो सर जी हमारा इनाम बनता है। वो भी मिलेगा, बस एक बार इस शिवांश नाम के कांटे को हम अपने और शवनी की जिंदगी से दूर कर दें। चलो हम निकले यहां से। Okay. कोई देखे ना तुम्हें। शिवांश सिंह, तुम्हें शराबी बना के छोड़ेंगे। आइए भाभी। हो रहे शिवांश भैया, रुकिए भैया, शिवांश को तो हम लेकर आएंगे। अरे ये बारूद खाने में चुरचुरी कहां से आ गई रे? आप मतलब हाथ है शिवांश, घर पे शराब नहीं मिली तो ठेके पे आ गए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप शराब पीकर बुलाना चाहते हैं? छोड़िए हमारा हाथ। नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा छोड़िए और जाइए घर। ये जगह शरीफ घर की लड़कियों के लिए नहीं है। अच्छा, और शरीफ घर के लड़कों के लिए है? हमने कहा आपसे क्लास छोड़िए हमारा। नहीं छोड़ेंगे। अरे आपके पति कहाँ? आखिर आ गए आप? अरे जाइए आज जो है ना, क्या बोलते हैं, हैप्पी वैलेंटाइन डे, जाके मनाइए अपने पति के साथ। हमको पीने दीजिए। शिवांश छोड़िए, छोड़िए इसे और चुपचाप घर चलिए। हम यही बैठ के पिएंगे। आपकी पूजा में हमने बात क्या मान ली? अब तो हम पर हक ही जताने लग गई। देखिए मिसेज रोहन, आप हमसे दूर रहिए वरना फिर हम पे दोष आएगा कि शिवांश दूर नहीं रहता आपसे। रहिए, पीने दीजिए हमें। आप हमारे साथ घर चल रहे हैं या नहीं? नहीं जाएंगे। हम आखिरी बार पूछ रहे शिवांश, आप हमारे साथ घर चल रहे हैं या नहीं? हम भी आपसे कह रहे हैं आखिरी बार, नहीं जाएंगे। छोड़िए, छोड़िए। अरे चुपचाप घर चलिए। उठिए यहां से, उठिए,
शिवांश रवनी जी, आप शायद भूल रही हैं कि अब हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है, समझिए आप, कुछ नहीं बचा हमारे बीच में। आप मिस्टर शिवांश सिंह, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक हम जिंदा है ना, तब तक कुछ भी खत्म नहीं होने देंगे। भगवान आपको इतनी लंबी उम्र दे कि जिंदगी भर आप जितनी नफरत करना चाहे उतनी नफरत करें, तो फिर जिंदगी कम नहीं पड़ने देंगे आप, समझे आप? उठिए यहां से, हमने कहा उठिए, चलिए चलिए हमारे साथ। क्या कहा था आपने अस्पताल में? यही कहा था ना आपने कि जिंदगी कम पड़ने नहीं देंगे? तो लो, बच गए हम। अरे बच गए हम, अब क्या क्या करें जिंदगी का? क्यों बचाया हमें? इससे अच्छा होता कि हम मर जाते। अरे क्या फायदा ऐसी जिंदगी हासिल करने का? आपने तो हमें जिंदगी दे दी, लेकिन जीना हमारा मुश्किल हो रहा है। कितना गलत किया हमने आपके साथ। अब तो बस इसी शराब में हमें डूब के मर जाना चाहिए। शिवांश, छोड़िए, अगर आप चाहती है ना कि हम यहां से बाहर जाएं, आप इसे हाथ नहीं लगाएंगे, वरना वरना इस ठेके की सारी शराब पी डालेंगे हम। शिवांश, शिवांश, हाथ नहीं लगाएंगे आप। भैया जी, अबे ये तो बिना पिए गिर रहे हैं। अशु भैया, चलिए। शिवांश, शिवांश रुकिए, शिवांश, शिवांश छोड़िए बोतल, क्या कर रहे हैं आप? भैया छोड़िए उसे, शिवांश छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? इतनी क्यों पी रहे हैं शिवांश? हुआ क्या है आगे? हम आपको खुद को बर्बाद करने नहीं देंगे, छोड़िए शिवांश। भैया बोतल छोड़िए ना भैया। हमने छोड़ी है? हम नहीं छोड़ेंगे, और ना अब आपको और पीने देंगे। सामने हमने कहा बोतल छोड़िए, छोड़िए। नहीं पीने देंगे, छोड़िए। अच्छा हुआ तुम आ गए। संभालो अपनी बीवी को, हमने नहीं बुलाया इनको यहां पर, खुद ही आई अपनी मर्जी से, और हमारी बोतल भी छीन रही है। क्यों भाई, अरे आपकी शादी इनसे हुई है, इनकी फिक्र कीजिए, हमारी नहीं। अब आपका हमारे ऊपर कोई हक नहीं है।
ना हमारा कोई हक है आपके ऊपर। आपकी शादी उनसे हुई है, इन्हीं की फिक्र कीजिए आप, तो अच्छा होगा। भैया शिवांश, शिवांश भैया जी, शिवांश भैया बात तो सुनिए। शिवांश शवनी, ऑलरेडी यहां बाजार में बहुत तमाशा बन गया है। शिवांश ने बहुत बवाल कर दिया। एक काम करते हैं, घर चलते हैं, घर चल के बात करेंगे। शवनी, शिवांश को दारू की लत लगी है, वो इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। अरे भैया जी, रोकना मत। भैया जी, सोहन तुम घर जाओ, हम आते हैं। ठीक काम है। शवनी जान, इतनी आसानी से तो शवनी हार नहीं मानेगी, पर आखिर अब ये करने क्या वाली है? शिवांश जी, हमको आज वैलेंटाइन डे पे तीज रास्ते में अकेले छोड़ के काला पता हो गया। हमको पता नहीं, हम वहां पे 2 घंटे इंतजार किए शिवांश के लिए, पर वो नहीं आया। लोग हमें गलत नजरों से देख रहे थे, पता है। हम शिवांश हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं। और ये डेकोरेशन हमको लगा शिवांश हमारे लिए, हमको सरप्राइज देने के लिए किया, पर नहीं। बिन बिनाता हुआ फिर श्रवणी के पास ही गया होगा। लेकिन श्रवणी तो आप ही के सामने ही रोहन के साथ घर से बाहर गई थी ना, तो आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? हाँ, लेकिन शिवांश तो छोड़कर। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। लो आ गया शिबू, बेकार में तिल का ताड़ बना रही हो बड़की ठकुराइन। शिवांश तुम कहाँ गए थे? 1 मिनट स्वीटी। शिवांश, ये कोई तरीका है कि तुम रास्ते में स्वीटी को छोड़कर आ गए? कोई जिम्मेदारी है? कब से रो रही है वो? अरे स्वीटी, तुम रो रही थी? अरे सॉरी 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 सॉरी। अरे भाई, हम तुम्हारे लिए तो गिफ्ट लेने गए थे, अब थोड़ा समय तो लग ही जाता है अच्छा गिफ्ट ढूंढने में, और हम तो आए थे वापस वहां पे। अरे तुम नहीं थी, बताओ थोड़ी देर अगर रुक जाती तो दोनों साथ में आ जाते। सच्ची? हाँ। अरे भाई ये देखो भाई, ढूंढ के निकाले हैं तुम्हारे लिए वैलेंटाइन डे गिफ्ट। हमारे लिए गिफ्ट? ये तुम्हारा गिफ्ट। शिबू, ये तुम्हारा हैप्पी वैलेंटाइन डे। अबे ये क्या, इसने फिर से पी ली? और स्वीटी, भाई तुम तो फुल वैलेंटाइन डे मूड में लग रही हो। अब घर सजा दिया पूरा? अरे भाई बाहर नहीं बनाए तो क्या हुआ, हम घर पे बनाएंगे, वो भी जैसा तुम कहोगी ठीक वैसा। स्वीटी 1 मिनट रुको, हम जरा म्यूजिक चला के आते हैं। चलो सब पार्टी करेंगे, है ना स्वीटी? हाँ, हम मिलके। शिबू, तुमने फिर शराब पी है? अरे अम्मा नहीं, बिल्कुल नहीं, वो थोड़ी सी पी बिल्कुल। अम्मा अम्मा आप, आपकी कसम, अम्मा आपकी नाई की दुल्हन के साथ पार्टी करने के लिए तो थोड़ी 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 लगानी पड़ेगी ना अम्मा। चलो स्वीटी। अरे यार कहाँ है रही हो? हाँ डांस करेंगे हम। शिवांश लग जाएगी उसको, छोड़ो।
शिवो क्या कर रहा है ये? अरे कहाँ पटके दे रहे हो? अरे अम्मा नाचिए, वैलेंटाइन डे है सासू माँ। भाई आपको तो आज हम जरूर नचाएंगे। आइए आइए। अरे 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 भाई आपको तो सबको नचाने की आदत है, हमारे साथ कर नाचेंगे भाई? हम तो स्वीटी का स्वीटी का स्वीटी को नचाएंगे हम। आओ स्वीटी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। तुम्हें अब श्रवणी तो क्या, इस दुनिया का कोई इंसान नहीं बचा सकता। अम्मा जी रोकिए अपने लाडले को, कैसे चक्कर घनी के जैसे घुमा रहा है हमारी कुल जैसी बेटी को। कहीं लग लगा गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चाहिए रोकिए। अरे नहीं 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 बड़की ठकुराइन, वो नशे में है, हम जाएंगे तो हम लुट जाएंगे। जाओ तुम ही जाओ। अरे जाओ जाओ ना। नहीं छोड़ो, शिवांश लग जाएगी उसे। अरे सासू जी आपने कमाल करती है। अरे अपनी बीबी के साथ डांस कर रहे हैं, काहे अलग कर रही हैं हम? छोड़िए डांस करेंगे। शिवांश छोड़ो उसे, लग जाएगी उसे शिवांश। अरे म्यूजिक किसने बंद किया? हमने किया। पुलिस पुलिस इंस्पेक्टर साहब, यही है शिवांश सिंह जिसने भरे बाजार में हमारे साथ बदतमीजी की थी। छेड़ा था हमें। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। चलो 10 साल के लिए अंदर जाओगे तब पता चलेगा तुम्हें। क्या तमाशा है, और कोई तरीका नहीं था? यहाँ पर सब बैठ के भी तो बात निपटा सकते थे ना। बोलो श्रवण क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ बताओ दुल्हन, क्यों किया तुमने ऐसा? शिवांश हवालात में रहेंगे, कम से कम शराब तो उनके हाथ नहीं लगेगी ना। अगर तुम अपनी बात पूरी ना कर पाए तो अगले 7 दिन तुम जेल की हवा खाओगी। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।